साइड लंजेस, स्कंदासन। प्रथम अपने घुटनों के बल बैठिए। अब अपना बायां पैर बाईं ओर लाकर घुटनों से मोड़ दें। अब शरीर को हाथ का सहारा देते हुए अपना दायां पैर जितना हो सके उतना दाईं ओर फैलाइए। अब बाएं हाथ से बाईं एड़ी पकड़ लीजिए। अपने शरीर को दाईं ओर झुकाकर दाएं हाथ से दाईं एड़ी को स्पर्श कीजिए। इस अवस्था में थोड़ी देर रहकर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को दूसरी ओर से भी दोहराएं। ये आसन आपकी जांघों को मजबूत करता है, आपकी एड़ियों और पंजों को भी मजबूत करता है, आपके शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूती प्रदान करता है, शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार बढ़ाता है। अगर आप घुटने, नितंब या एड़ी के दर्द से परेशान हैं, तो ये आसन ना करें। पूर्वोत्तानासन, रिवर्स प्लैंक। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर दोनों पंजों को जमीन पर टेक दें। अब पैरों को धीरे धीरे हाथों के विरुद्ध दिशा में तान लें। आपके शरीर का भार अब आपके दोनों हाथों और आपके पैरों की एड़ियों पर है। आपके पैर बिल्कुल सीधे हों। इस आसन में आप 30 से 60 सेकंड तक रहने का प्रयास करें। अब धीरे से अपने नितंबों को जमीन पर टेक दें और पूर्व स्थिति में लौट आएं। ये आसन आपके हाथों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है, आपके कंधे और पीठ को लचीला बनाता है, गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इस आसन को बलपूर्वक ना करें। आपकी गर्दन में चोट या दर्द है तो ये आसन ना करें। हाथों की कलाइयों में चोट या दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। चाइल्ड पोज, बालासन। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब नीचे झुककर अपनी कोहनियां और हथेलियां जमीन पर टेक दें। अब अपना माथा जमीन पर टेक दें। अपनी हथेलियों से पैरों के पंजे पकड़ लें। इस आसन में कुछ देर बने रहिए और धीरे से पूर्वावस्था में लौट आएं। ये आसन कमर दर्द दूर करता है, नितंबों की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, थकान दूर करता है, तनाव दूर करता है। घुटनों में दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। गर्भवती महिलाएं ये आसन ना करें। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासन। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने घुटनों के बल आ जाएं। अपने बाएं हाथ से बाईं एड़ी पकड़ लें। अब पीछे की ओर झुकें। अपना दाहिना हाथ ऊपर की तरफ लेकर सीधा खड़ा करें। अब धीरे से अपनी पूर्व अवस्था में लौट आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से दोहराएं। पाचन शक्ति बढ़ाता है, पीठ
और कंधों में मजबूती लाता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। हाई बीपी वाले इस आसन को न करें। अगर आपके पीठ में चोट या दर्द है तो इस आसन को न करें। गर्दन में दर्द या चोट वाले भी इस आसन से दूर रहें। परिवित्त त्रिकोणासन। पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच अपने कद अनुसार 2 या 3 फीट की दूरी रखिए। अब अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। अब सांस लेते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे को बाईं एड़ी से बाहर की तरफ जमीन पर टेक दें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रह सकते हैं। अब धीरे धीरे इस आसन से बाहर निकलकर पूर्व स्थिति में लौट आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। पैरों को मजबूत करता है, नितंबों में खिंचाव लाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पीठ दर्द को दूर करता है। हाई बीपी वाले ये आसन ना करें। गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो तो इस आसन से दूर रहें। सुप्त वज्रासन। पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब कोहनियों की मदद से धीरे धीरे पीछे झुकें। अपने सिर को पीठ की तरफ खींच लें ताकि आपकी पीठ कमान की तरह बन जाए। अब अपने दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर अपने सर के ऊपर से जमीन पर टिका दें। इस अवस्था में कुछ समय रहकर पूर्व अवस्था में लौट आइए। इस आसन से पीठ लचीली होती है। इसे करने से आपके कमर की चर्बी दूर होती है, सीना चौड़ा होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है।
आसन को खाने के तुरंत बाद न करें। कमर दर्द वाले योग शिक्षक की सलाह लेकर ही इसे करें। अगर घुटनों में दर्द है तो इस आसन को न करें। पद्मासन। जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने रखिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए। सांस अंदर लेते हुए एक पैर को दूसरी जांघ पे ले आए। यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ दोहराएं। अब आप पद्मासन में हैं। आप जब तक चाहें इस आसन में बैठ सकते हैं। ये आसन मन को शांत करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। पद्मासन से मन में स्थिरता आती है। पद्मासन पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। अगर घुटनों में दर्द हो तो ये आसन न करें। कमर दर्द वाले इस आसन से दूर रहिए। शवासन। शवासन जमीन पर चटाई बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर के 4-5 इंच की दूरी पर रखें। पैरों के बीच 1 फीट की दूरी रखें। अब अपने शरीर को ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लें। हल्की हल्की सांस लें। सारा ध्यान अपने सांस पर केंद्रित करें। मन में किसी प्रकार का विचार न लाएं। नियमित शवासन से आप हाई बीपी से दूर हो सकते हैं। शवासन स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ये मन की बेचैनी को दूर करता है। शरीर से थकान भगाता है। शवासन करते वक्त आपका शरीर पूरी तरह से ढीला होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हों। ये बेहद सरल आसन है। इसे कोई भी कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।